हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नया दिन, नई शुरुआत। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज का जो वेदर है काफी अच्छा सा लग रहा है, एकदम कूल सा। ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, बट बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी तो बाहर देखा मौसम का नज़ारा तो बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में मैंने उनको दिया था आलू का पराठा, तो मैंने आलू के पराठे की जो था ना बॉयल करके सब रात में रख दिया था, कटिंग और प्याज वगैरह धनिया सब कुछ मिला के। बस मॉर्निंग में नमक मिलाया, उनको बना के दे दिया था। और ये थोड़ा भी जो है ये मसाला बाकी बचा हुआ, इसमें नमक नहीं मिला रहा, क्योंकि नमक मिला देते हैं तो ये पानी छोड़ देता, फिर अच्छे नहीं बनते हैं। और टाइम हुआ है 7:30, बच्चे चले गए थे 7:15 पर। तो देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा आज का, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। तो आ गई थी मैं नहाकर और अब यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो आज पता नहीं क्यों इच्छा से कर रही थी मॉर्निंग में चाय पीने की, तो कभी कभी होता है। एक तो थोड़ा अच्छा सा भी फील हो रहा है, ठंडी हवा सी चल रही है आज, बारिश तो नहीं आई, मुझे लगा था बारिश आएगी लेकिन धूप आ गई है, पर फिर भी हवा अच्छी चल रही, क्योंकि यहाँ नहीं आई होगी तो कहीं और तो आई होगी। तो मैंने कहा चलो अपने लिए भाई चाय बना ली जाए, जब किसी चीज़ की इच्छा हो तो कर लेना चाहिए, है ना। वैसे बारिश आ जाए तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि जितनी धूल मिट्टी है ना ये सबकी सब क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। मतलब अभी जितना डस्टिंग वस्टिंग के लिए डेली डस्टिंग होती है, डेली क्या, अगर दिन में 2-3 बार भी डस्टिंग अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी डस्ट कर अभी करेंगे डस्टिंग, थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पे धूल सी जमा हो जाती। तो अगर बारिश हो जाएगी तो बारिश से क्या होता है, ये जो धूल मिट्टी उड़ती है ये बैठ जाती है ना, फिर इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और ये देखो इससे पता चलता है कि कितनी धूल मिट्टी उड़ती है, देखो पूरी पत्तियों में भी डस्ट गिरी हुई है। पानी का स्प्रे करूंगी तो ये सारी जो मिट्टी है ये बह जाएगी और पत्तियां भी अच्छे से सांस लेंगी, पौधा भी अच्छे से सांस ले पाएगा। तो इस बेचारे का भी दम घुट रहा होगा, इतनी मिट्टी है। और जब मैं इस पर पानी डाल रही हूँ तो मुझे ना मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जैसे बारिश के बाद आती है ना, क्लीनिंग वगैरह मिल गई है। और यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी और यहाँ पर अब बच्चों के पापा जी के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मसाला जो है वो रेडी ही रहता है, तो बस ये मसाला ऐसे रेडी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आटा गूंद के खाओ फटाफट। पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो आलू का पराठा बन रहा है। और आलू का पराठा देख के तो मुझे लगता है हर किसी को भूख लगी जाती होगी, तो भूख बढ़ जाती है। और बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा था आज पराठा बना देना। और आज थोड़ी हवा भी चल रही तो ठीक लगेगा, बहुत गर्मी होती ना तब अच्छे नहीं लगते, पर आज चलो शायद इन्हीं की वजह से मौसम ऐसा हुआ। थोड़ा सा सर्दियों में जो पराठे होते हैं वो चाय में अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में पराठे अच्छे लगते हैं, दही के साथ सुबह सुबह खाओ तो पूरे दिन एनर्जी रहेगी। और ये भी हो गए रेडी, लो भाई लो भाई, अरे वाह मजा आ गया, थैंक यू बोल दो, थैंक यू। धुल गए हैं मॉर्निंग के बर्तन जो ब्रेकफास्ट वगैरह सब किया था। अब आता है नंबर सिंक को धोने का, जो कि दिन में पता नहीं कितनी बार धुलता है, जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार ये धुलता है। और साथ के साथ फिर मैं इधर की जो होती है टाइल्स वगैरह इनको भी मांज देती हूँ इसके आसपास की, क्योंकि जब बर्तन धुलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है खाने के छींटे वगैरह कुछ तो गिरते ही है ना, इसलिए इसको भी ऐसे मांज देती हूँ। तो हो गई है मॉर्निंग की किचन क्लीनिंग पूरी कंप्लीट। और इधर मैंने ये जो घी है, घी खत्म हो गया था तो घी का डिब्बा भी इस तरीके से धो के रख दिया, तो बाद में इसमें घी भर के रख दूंगी। अभी थोड़ा सूख रहा है, अभी नहीं भरूंगी, है ना, गीला है अभी थोड़ा। बच्चों के आने में काफ़ी टाइम है, तो क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो सोच रही हूँ किस टाइम को स्पेंड किया जाए एडिटिंग करके, क्योंकि अभी जो मेरा कल वाला व्लॉग है हम डाल नहीं पाए, आजकल जो है बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है, वरना मैं मॉर्निंग में मेरा व्लॉग आ जाता था, लेकिन आज नहीं आ पाया है क्योंकि जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। शाम के टाइम तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी काम मेरे बच्चों के आड़े आए, चाहे ये व्लॉग लेट हो जाए ये हो जाए, लेकिन बच्चों का काम नहीं छूटना चाहिए। बच्चे घर आ जाते हैं तो पूरा मैं अपना टाइम समर्पित कर देती हूँ उनके लिए, पूरा उनको देती हूँ कि भाई उनके लिए कोई वो ना हो कमी। तो एडिटिंग जो है वो हो गई है कम्प्लीट और टाइम हुआ है 12:55। अब मुझे बच्चों के लिए लंच वगैरह भी बनाना है, तो मैंने कहा चलो अब चलो लंच वगैरह बना दूँ, तो अब पानी पी लिया जाए मैंने कहा, और पानी पी जाओ अपने मटकी का, पानी पी के बैठ के, और फिर मैं बच्चों के लिए अब फटाफट लंच का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि मुझे उनके आने तक उनके लिए पूरा लंच रेडी रखना है। जिंदगी घर का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है,
हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले, ये गाना ना मुझे इंस्पायर करता है। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और इंस्पायर करता है कि परेशानियों से घबराना नहीं है। जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें ईमानदारी से लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं ले आई थी घी, तो मैंने कहा डिब्बे को घी का जो मैंने डब्बा धो के रखा सूख भी गया है, तो मैंने कहा चलो इस घी को भर दिया जाए। लेकिन जब मैंने फ्रिज से इसको निकाला तो कल रात फ्रिज में रख दिया था ना, तो ये जम गया है। तो अब भाई धूप भी नहीं है छत में, गर्म पानी डाल देंगे पतीले में और इस पैकेट को इसमें डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद देखना पूरा मेल्ट हो जाएगा अपने आप से। और देखो अभी इसको पानी में रखने से ये पूरा मेल्ट हो गया है, देखो अभी इसका पूरा मेल्ट हो गया है अच्छे से। अभी इस तरीके से ठीक है, आसानी से भरा जाएगा। और पहले इसको कपड़े से ज़रा पोंछ देंगे क्योंकि इसमें पानी है, तो कहीं वो घी में ना गिरे, है ना। तो देखा पानी में डालने से क्या हुआ, ये पूरा पिघल गया। तो यहाँ पे तो दाल बन गई है। और अब मैंने कहा मैं धनिया पुदीना, मैं पुदीना लेकर आई थी और कच्ची आम ही, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो भाई अब आमों की तो बहार आ जाती है, और मैं इसलिए कच्चे आम लेकर आ गई थी चटनी बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी इसकी तीखी खट्टी मीठी चटनी बनती है, तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना और धनिया, और यहाँ पे है कच्चे आम, कच्ची आमी है दो जिनको मैंने धो के छिल दिया था, और थोड़ी हरी मिर्च। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है एक गड्डी, छोटी गड्डी थी पुदीना। तो पुदीना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, ठंडक देता है, गर्मियों में अमृत का काम करता है ये। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें धनिया भी। ये आमी कच्चे आम थे तो ये मैंने दो लिए हैं, इनको मैंने धो के छिल दिया था। अब इन्हें काट दूंगी, बारीक काट के इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैंने जो कच्चे आम थे वो भी काट के ऐसे डाल दिए, और इनके जो बीज थे ना वो निकाल दिए, उनको नहीं डालना, उनको अलग से ऐसे काट दिया और ये अलग कर दिया। तो बीज कच्चे से होते हैं, आराम से निकल जाते हैं। और साथ में डाली मैंने चार पांच हरी मिर्च तीखा बनाने के लिए। डाल दिए हैं चार लहसुन की फली, काला नमक, और ये जीरा है भुना हुआ जो मैंने पीस दिया था बारीक, उसको भी डाल दूंगी। और अब इसमें मिला दूंगी चीनी 4-5 चम्मच, वो तो अपने हिसाब से मिला सकते हैं, जितना खट्टा मीठा चाहिए जैसा चाहिए। मैंने इसमें 4-5 चम्मच चीनी डाली है। और अब इसको मिक्सी में पीस देंगे बस। तो चटनी बनकर हो गई तैयार, और एक बार उसको टेस्ट जरूर कर लेना, अगर खट्टी हो गई हो ज़्यादा तो उसमें और चीनी ऐड कर लेना। और हो गया शाम का टाइम, और तिम्मी ईशान अपना थोड़ी देर खेलने बाहर चले गए, क्योंकि प्लेइंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। मैंने देखा यहाँ पे जो है चींटियों की लाइन से लगी हुई है, तो ये जो चींटियों की बारात जा रही है, ये देखो कहीं जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये चींटियों की बारात है जो कहीं से जा रही है। और बारात कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से। तो मैंने कहा भाई क्या किया जाए इसका, जबकि सफाई पूरी है यहाँ पे, पर वही है कि कहीं पर ये चींटियों का पता नहीं चलता। दरअसल अब गर्मी ज़्यादा हो गई ना, तो इस तरीके से गर्मी में ना कहीं से चींटियाँ जो है टाइल्स के पीछे से निकल ही आती हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको भगाने का एक ही तरीका है, इनको मारना भी ठीक नहीं है, तो मैं लगा दूंगी लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण रेखा लगाने से क्या होगा, देखना, ही हट जाएंगी। तो ये है लक्ष्मण रेखा, तुझे मैं हमेशा घर में रखती हूँ। तो यहाँ पर इनको भगाने का एक ही तरीका है, यहाँ पर मैं पूरा जहाँ से इधर लक्ष्मण रेखा लगा दूंगी, और इस लाइन में भी कॉर्नर में, और जहाँ जहाँ इनकी बारात जा रही है वहाँ वहाँ लाइन बना दूंगी ना यहाँ तक। तो ये मैंने लगा दी है लक्ष्मण रेखा, और अब ये थोड़ी देर बाद देखना ये अपने आप यहाँ से हट जाएगी। ये देखो टिम्मी को, मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा टिम्मी कहाँ गायब है, टिम्मी की आवाज नहीं आती, तो समझ लो कोई भयंकर होने वाला है। बहुत ज्यादा खामोशी आने वाले तूफान का संकेत होती है, तो यही देख के मैं अंदर आई थी। और यहाँ मैंने देखा टिम्मी, जो मैंने बुक्स रखी है ना पुरानी बुक्स जो है, वो मैं यहाँ इस
कवर्ड में रख देती हूँ। कुछ बना रहा हूँ वो रफ काम के लिए रखी हुई है मैंने, वो पुरानी कॉपियाँ जो है। आप ना लास्ट में देखना मैंने क्या बनाया, आप भी बोलोगे बहुत अच्छे है। चलो देखते हैं, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। ये देखो ये हमारा चिंगा मास्टर टिम्मू महाराज, ये मास्क पता है इसने बनाया है खुद से, दिखा कैसे बनाया है। देखो ये इसने ना कोई कवर था कॉपी का, कोविड में पहना था ये। देखो अरे टिम्मी ने मास्क बनाए खुद से, और सबसे बड़ी बात है कि अंदर बैठ के बना रहा था, पर देखो उसने बनाए भी दो, एक अपने लिए रहे के अपने भाई के लिए। और खाना पीना हमारा हो गया था, इन्हें चटनी बहुत पसंद आई, आम की चटनी बहुत अच्छी, रियली नाइस, थैंक यू। तो चलिए अब ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, अभी हमारा पानी वगैरह आया, पानी भर रही, बर्तन नहीं धोए धोऊंगी, उसके बाद भी थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, तो मैंने कहा ब्लॉग को एंड कर दिया जाए, आप लोगों को भी गुड नाइट बोल दी जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करो नीचे जो प्यारा सा बटन है ना रेड कलर का उसको प्रेस कर दिया करो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।